हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरंस। आज हम यहाँ पे विजन एसा डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 31 मई और 1 जून 2020 का। सो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ पे हमारे यूएस ने पोस्टपोन किया है G7 समिट, और वो चाह रहा है कि मतलब इंडिया उसे मतलब इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और कुछ कंट्री को भी यहाँ पे इन्वाइट किया है। सो यूएस प्रेसिडेंट ने अभी यहाँ पे सजेस्ट किया है एक्सपेंशन ऑफ द ग्रुप ऑफ सेवन, जो G7 ग्रुप है। और ये ग्रुप के बारे में उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो ग्रुप है ये आउटडेटेड हुआ है अभी। मतलब यहाँ पे मतलब जो वर्ड्स को मतलब रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, और जो भी मतलब दुनिया में भी चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन वगैरह नहीं हो रहा है। सो उसके बाद में इंक्लूजन से क्या होगा, मतलब इंडिया का राइज होगा ग्लोबल प्रोफाइल, और उसके बाद में जो रोल है डिसीजन मेकर्स एट द ग्लोबल लेवल, तो उसमें इंडिया की भागीदारी बढ़ेंगी। इसमें यहाँ पे इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को भी यहाँ पे G7 ग्रुप में इंक्लूड करने का सोचा है। उसके बाद में हम G7 जो ये ग्रुप है उसके बारे में देखते हैं। G7 ग्रुप क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे फॉर्म किया था 1975 में, उस टाइम की जो टॉप इकोनॉमिस्ट थी। और ये इनफॉर्मल फोरम का था, डिस्कस कर रहे थे फेसिंग द वर्ल्ड इश्यूज़, और जो इश्यूज़ थे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोब एनर्जी पॉलिसी से रिलेटेड थे। और ये डिफरेंट था जो G20 ग्रुप है उससे। और G20 ग्रुप में यहाँ पे फोकस किया जाता है ग्लोबल इकोनॉमी, ब्रॉडर ग्रुप था ये G20। और इसके बाद में G7 मेंबर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, और इसको मतलब रशिया ने भी ज्वाइन किया था 1998 में। उसके बाद में G7 से G8 बना था, और ये रशिया को मतलब यहाँ पे सस्पेंड कर दिया 2014 में, क्योंकि उन्होंने मतलब जो रशिया ने क्रीमिया को मतलब अनेक्स कर दिया था, मतलब यूक्रेन से मतलब यहाँ पे छीन लिया था और खुद के इसमें मिला दिया था रशिया से। उसके बाद में यहाँ पे चैलेंजेस दिए हैं, मतलब G7 ग्रुप के क्या चैलेंजेस हैं। इंटरनल डिसएग्रीमेंट बहुत रहता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह जैसे कंट्रीज़ है, यहाँ पे उनके खुद में ही यहाँ पे मतलब वो इंटरनल डिसएग्रीमेंट होता है। और नो GOC से वो मेम्बर यहाँ से, मतलब जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथन अमेरिका, और जो अभी इंडिया का और चाइना का राइज हुआ है, ये भी मतलब बहुत सारे कंसर्न्स हैं यहाँ पे, चैलेंजेस हैं, कुछ डिस्प्यूट वगैरह हैं यहाँ पे G7 कंट्रीज़ में, जो वर्ल्ड को मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं अभी, मतलब इंडिया हो या फिर चाइना हो, चाइना को तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि US ने इसलिए मतलब ये प्रपोज़ किया है क्योंकि US और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है। इसलिए वो चाहता है कि वहाँ पे इंडियन सब कंटिनेंट हो या एशिया में, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मतलब इंडिया जैसे कंट्रीज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे बैलेंस बराबर मेंटेन हो सके। उसके बाद में यहाँ पे US ने और बाकी कंट्रीज़ ने भी मतलब चाइना को रिक्वेस्ट की थी कि आप मतलब एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो सके यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड, वुहान जो चाइना का प्रोविंस है वहाँ पे, बट चाइना ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं उससे मतलब लड़ने के लिए यहाँ पे US ने ये पोस्टपोन किया है G7 समिट, और मतलब इंडिया को यहाँ पे इंक्लूड करने का सोचा है। उसके बाद में यहाँ पे ये इंफोग्राफिक्स में दिया है G20 में कौन कौन सी कंट्री आते हैं। यूरोपियन यूनियन जो कंट्री है उसको मिला के यहाँ पे 20 कंट्रीज हैं। यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे कंट्रीज़ आती हैं, 29 कंट्रीज़, और उसे छोड़कर मतलब जो 19 कंट्रीज़ हैं ये G7 की 7 कंट्री है। उसके बाद में रशिया है, टर्की है, ब्राज़ील है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका। सो ये 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन, ऐसे ये G20 में कंट्रीज़ है। उसमें डेवलपिंग प्लस डेवलप कंट्रीज़ है। उसके बाद में G8 में रशिया को पकड़ कर यहाँ पे ये G7 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद में G7 कंट्रीज़ के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है अरेबियन सी में, ये अफेक्ट कर रहा है मानसून को। अभी IMD ने यहाँ पे जो लो प्रेशर बन रहा है अरेबियन सी में, अभी आपने सुना होगा कि निसर्ग वगैरह आ रहा है, एक साइक्लोनिक तूफान वगैरह आ रहा है, और जो ईस्टर्न कोस्ट है मतलब सॉरी वेस्टर्न कोस्ट है, मुंबई,
और गोवा या फिर गुजरात वगैरह यहाँ पे ये हिट कर रहा है। सो ये एंटी साइक्लोन विंड होते हैं ऑफ डिप्रेशन माइट पुल द मानसून टूवर्ड्स इंडिया मेकिंग कंडीशन फेवरेबल ऑन अब फॉर द ऑनसेट। अब ये डायरेक्शन ऑफ द विंड्स अराउंड द लो प्रेशर सिस्टम इन द नदर्न हेमिस्फेयर इज अ साइक्लोनिक एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इम्पैक्ट क्या है साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन मानसून पर, इस पर ये डिप्रेशन होता है मतलब नॉर्मल ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ द मानसून, मतलब जब मानसून आता है उसके टाइम पे यूजली मानसून एड मानसून एडवेंट प्रोग्रेस इन इंडिया। और ये नेसेसरी नहीं है साइक्लोन वुड ऑलवेज हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मानसून, मतलब इसका मानसून पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि मतलब बारिश कम हो सकती है इस जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है और जो मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि जो साइक्लोन वायु है फॉर्म हुआ था लास्ट ईयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द मानसून ओवर केरला, मानसून विंड्स वेयर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड टिल द डिसिपेशन ऑफ द साइक्लोन एंड रेन्स वेयर अरेस्टेड इन केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो उसकी वजह से लेट मानसून आया था आपने देखा होगा। और ये ट्रैक करता है आप साइक्लोनिक सिस्टम दैट डिटरमाइंस वेदर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विल रिसीव रेन्स और नॉट। सो इफ द लो प्रेशर सिस्टम मूव अवे फ्रॉम द मेनलैंड सब कॉन्टिनेंट मे नॉट रिसीव द मच रेन ड्यूरिंग द ऑनसेट। इसकी वजह से बारिश की कमी भी हो सकती है ऐसा यहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकल में दिया है। उसके बाद में ट्रेड वार के बाद में अभी टेक वार एंड अभी ट्रेड वार के बाद में टेक वार हुआ था, अभी जो चल रहा है कैपिटल वार चल रहा है। सो इसके बारे में ये आर्टिकल है। सो ट्रेड वार क्या है हम देखते हैं। 2018 से US और चाइना के बीच में आपने देखा होगा कि मतलब एडिशनल टैरिफ जो लगाए जा रहे थे गुड्स जो इंपोर्ट हुए हो रहे थे फ्रॉम द अदर कंट्री। सो ये ट्रेड वार चल रहा था अभी US एंड चाइना के बीच में, अलग अलग सेंक्शंस लगाए थे इम्पोर्ट टैक्सेस पे, यहाँ पे हायर टैक्सेस लगा रहे थे जो भी परचेसिंग कंट्री थे उन कंट्रीज़ में। और उसके बाद में यहाँ पे टेक्नोलॉजी वार शुरू हुआ बाद में, और ये चार्ज किया गया अगेंस्ट द चाइनीज़ टेलीकॉम जाइंट, जो अभी हुआवे का जो मैटर हुआ था आपने देखा होगा कि जो चाइनीज़ कंपनी है हुआवे उसको मतलब US में बैन कर दिया था। और जो लीडिंग नेक्स्ट 5G स्टेज ऑफ द टेलीकॉम एवोल्यूशन है, मतलब ये हुआवे है चाइना की टॉप लेवल की कंपनी है और ऐसी गिनी चुनी कंपनी है जिसके पास में 5G टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। उसके बाद में US ने यहाँ पे डिनाई किया था एबिलिटी टू यूज़ इट्स पॉपुलर एप्स सच एज जीमेल एंड एक्सेस टू इट्स टेक्नोलॉजी सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड चिप्स। अब 5G इज़ द क्रूशियल कंपोनेंट है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस व्हीकल, इंटरनेट ऑफ थिंग, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इस 5G के द्वारा यूज़ किए जाने वाली थी। सो ये टेक्नोलॉजिकल वार चल रहा था। और अभी जो चल रहा है कैपिटल वार के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ पे US सीनेट ने यहाँ पे पास किया है बिल टू डिलीज द चाइनीज़ फर्म फ्रॉम द US स्टॉक मार्केट, मतलब अभी जो चाइनीज़ फर्म के जो US में स्टॉक मार्केट में जो कम ये हैं कंपनीज वगैरह वहाँ पे उनको डिलीज करने के बारे में यहाँ पे सोचा है। और इन रिस्पॉन्स में यहाँ पे क्या हुआ है कि चाइनीज़ ने मतलब यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस की है, जो डोमिनेंस है US डॉलर का मतलब यहाँ पे उसको मतलब काउंटर करने के लिए। सो यह ऐसा मतलब कैपिटल वॉर चल रहा है। सो इस आर्टिकल में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजिकल वॉर, कैपिटल वॉर। सो ये आप अपने आंसर राइटिंग में यहाँ पे इसे कोट कर सकते हो, मतलब क्या एग्जैक्टली है ये ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजिकल वॉर, कैपिटल वॉर और किन किन कंट्रीज़ में ये चल रहा है। सो यूजुअली ये मतलब US और चाइना के बीच में ही चल रहा है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है बाकी जो कंट्रीज़ है उनके ग्लोबल ट्रेड पे, ग्लोबल सप्लाई चेन एंड ग्लोबल कैपिटल मूवमेंट एंड ग्लोबल ट्रस्ट पे। उसको चेंजिंग ऑफ द US एंड चाइना फेस ऑफ टू अचीव द ग्लोबल हेजेमनी, मतलब बहुत मतलब इसका इफेक्ट पड़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद में यहाँ पे हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है एडिशनल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स इन MSP लिस्ट। अभी ट्राइबल मिनिस्टर ने अनाउंस किया है इंक्लूजन अंडर द मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ MFP थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यू चेन ऑफ द MFP स्कीम। ये एनहांस करता है कवरेज फ्रॉम 50 to 73 आइटम्स। अर्लियर MSP रिविजन किया गया था 50 MFP
फीस अनाउंस किए गए थे और एक्सपेक्ट करता है ये टू बेनिफिट्स द ट्राइबल रिसाइडिंग इन द डेंस फॉरेस्ट एरिया स्पेशली इन दोज इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेट में है उनके लिए ये बेनिफिशियल है। स्कीम के बारे में देखते हैं, इंट्रोड्यूस किया था 2013 में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द फेयर प्राइसेस टू MFP ग्रैदरस, इंश्योर करता है सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग MFPs और इट विल हैव द ह्यूज सोशल डिविडेंड्स ऑफ सॉरी फॉर MFP गैदरर्स, मेजोरिटी ऑफ ऑल वुम आर द ट्राइबल्स, मतलब जो ट्राइबल्स है उनके लिए। और ये MSP डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन द कॉस्ट कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ईच स्टेट। उसके बाद में ये प्रोविज़न है, ये ब्रिज करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिटवीन द ट्राइबल्स मार्केट थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द हार्ट बाजार्स बाय स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर MFP प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एट्सेट्रा। अब उसके बाद में यहाँ पे दिया है मार्केटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट वन धन विक्रम कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया था 2018 में और इस ये जो है MFP ट्राइफेड नोडल एजेंसी है जो ये इम्प्लीमेंट करता है स्कीम वगैरह, उसके बारे में देखना, ट्राइफेड नोडल एजेंसी कराता है ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं PM केयर्स फंड नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTA एक्ट। सो अभी यहाँ पे PMO के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर द सेक्शन 2H ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और यहाँ पे डिनाई कर दिया है कि मतलब इंफॉर्मेशन देने से। अभी किसी ने यहाँ पे पूछा था कि मतलब PM के इसके बारे में कि कितना फंड वगैरह यहाँ पे हुआ है, मतलब कलेक्ट हुआ है कलेक्शन अभी COVID-19 की वजह से, यहाँ पे PM केयर फंड मतलब ये किया था। और ये एम्बिग्यूटी है रिगार्डिंग द वेदर द PM NRI प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज सब्जेक्ट टू द RTA एक्ट और इसे क्रिएट किया था PM केयर्स अभी अभी क्रिएट किया था 28 मार्च 2020 को एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव था टू डील विद द एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोज बाय द COVID-19 पैंडमिक। प्राइम मिनिस्टर ये इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन है PM केयर्स फंड के एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आर द एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी है इस फंड के। सो ध्यान में रखना प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। इसके बाद यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी अंडर द सेक्शन 2H ऑफ द RTA एक्ट 2005 के बारे में दिया है और ये अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कराता है कॉन्स्टेंट बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और बाय नोटिफिकेशन इश्यूज और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी। इसके बाद में ये बॉडी ओन कंट्रोल एंड सब्सटेंशियल फाइनेंस कराता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियल फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो ये ध्यान में रखना इस एक्ट के बारे में। उसके बाद में कुछ यहाँ पे न्यूज़ दी है उसके बारे में देखते हैं। नेपाल ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है फॉर न्यू मैप से रिलेटेड। सो आपने देखा होगा कि ये काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था उसकी वजह से नेपाल ने फिर से यहाँ पे एक न्यू मैप अभी ये किया है, अमेंड किया गया है। यहाँ पे नेपाल ने यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लैंड कवरिंग है यहाँ पे लिम्पी, यदुरा, लिपू लेक एंड काला पानी एज अ पार्ट ऑफ द नेपाल और ये एरिया करंटली पार्ट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। सो ये डिस्प्यूटेड एरिया है बट नेपाल ऐसा बोलता है कि हमने जो मतलब जम्मू कश्मीर का जो 370 स्कैप हुआ था उसके बाद में जो मैप जाहिर किया था और रेगुलेट किया था उसमें इसको मतलब इंक्लूड किया है कुछ पार्ट नेपाल का टेरिटरी का, बट इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमने किसी की सॉवरेनिटी का हनन नहीं किया है, जो ऑलरेडी था उसी को मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। सो ऐसा मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था इसकी वजह से अभी ये न्यूज़ में था। उसके बाद में ये थार के बारे में देखते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। थार मींस टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस होता है। ये चाइना ने रेज ऑब्जेक्शन यहाँ पे उठाया था प्रेजेंस ऑफ द US थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द साउथ कोरिया, जो साउथ कोरिया में इसे मतलब यहाँ पे ये किया था, एस्टेब्लिश किया मतलब रखा गया था और लॉन्च किया था बाय US के द्वारा। थार्ड इज़ अ ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये स्टेशन किया था साउथ कोरिया में काउंटर मेजर्स करने के लिए अगेंस्ट द पोटेंशियल अटैक बाय द नॉर्थ कोरिया।
और चाइना बिलीव करता है दैट यूएस इन्फ्लुएंस इन द रीजन में इंटरफेयर विद द लॉन्ग टर्म मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन। सो चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर वहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़े। सो इससे रिलेटेड ये है, लेकिन ये ध्यान में रखना थार्ड सिस्टम क्या है और ये यूएस का है। उसके बाद में बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। सो स्कॉर्पियन स्पीस नेग्लेक्टा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अभी ये गल्फ ऑफ मन्नार में से पाया गया है फिश। इसे स्कॉर्पियन ऑफ फिश बोलते हैं, स्कॉर्पियन फिश, बिकॉज इट्स स्पाइंस कंटेंट न्यूरोटॉक्सिक विनोम, न्यूरोटॉक्सिक विनोम्स होते हैं इसे स्पाइक की तरह। और ये चेंज करते कलर, ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर्स वाइल्ड प्रेइंग, मतलब खुद की जान बचाने के लिए प्रेडेटर्स से ये सराउंडिंग का यूज़ करते करते हुए खुद का कलर चेंज करते हैं और ये खुद को मतलब सराउंडिंग में ढा देते हैं जो भी एनवायरनमेंट होता है आसपास में। उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशन में टेम्परेट वाटर में, और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिले थे इंडियन वाटर में। सो ध्यान में रखना बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। उसके बाद में हम आते हैं, ये नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है गवर्नमेंट का, ये वर्क करता है, काम करता है, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द AI रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन इंडिया, और शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज सच एज आर्टिकल, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट फंड्स इन AI रिसोर्सेज कंपनीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया से रिलेटेड है ये। नेशनल ई गवर्नेंस रिविजन्स है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT का, MEIT का, एंड नास्कॉम विल जॉइंटली रन दिस पोर्टल, मतलब नास्कॉम द्वारा यहाँ पे ये जॉइंटली इसे चलाया जाता है इस पोर्टल को। सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल AI फॉर द यूथ प्रोग्राम, अभी इसे लॉन्च किया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विद इंटेल इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसीज मिनिस्ट्री ऑफ HRD। इसका एम है गिव द यंग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म एंड एम्पावर करना विद अप्रोप्रिएट न्यू एज टेक्निक, न्यू एज टेक माइंडसेट के लिए जो माइंडसेट है अपना, मतलब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना चाहिए, रिलीवेंट आर्टिफिशियल स्किल सेट्स एंड एक्सेस टू रिक्वायर AI टूल सेट टू मेक द डिजिटल रेडी फॉर द फ्यूचर। और ये डिज़ाइन किया गया है टू रीच आउट द स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल पैन इंडिया एंड प्रोवाइड करता है देम अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द स्किल वर्क फोर्स इन इंक्लूसिव मैनर। उसके बाद में COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल सी टैप के ये टॉपिक है, सी टैप का ये से रिलेटेड ये यहाँ पे न्यूज़ थी। उसके बाद में इसके इसके बारे में पढ़ते हैं, सॉरी। ये इनिशिएटिव है एम एट मेकिंग वैक्सीन टेस्ट ट्रीटमेंट एंड अदर हेल्दी टेक्नोलॉजी हेल्थ टेक्नोलॉजी टू फाइट COVID-19 एक्सेसिबल टू ऑल। और ये वॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री बेस है ऑन सोशल सोलिडेरिटी और वन स्टॉप शॉप फॉर द, ये प्रोवाइड करता है वन स्टॉप शॉप फॉर साइंटिफिक नॉलेज, डेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू बी शेयर इक्विटेबली बाय द ग्लोबल कम्युनिटी। इसे लॉन्च किया था WHO ने एंड कोस्टारिका, 30 कंट्रीज एंड मल्टीपल इंटरनेशनल पार्टनर इसमें इन्वॉल्व है। इंस्टीट्यूशन हैविंग साइन अप द सपोर्ट सी टैप एज ऑफ नाउ, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सो इंडिया इसका इनिशिएटिव मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। और उसके बाद में माई लाइफ माई योगा कंटेंट्स, जीवन योगा के बारे में ये है, ये वीडियो ब्लॉगिंग कंटेंट्स रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा। तो इसके बाद में ये फोकस करता है ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ द योगा ऑन लिव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कम्स एज वन ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द 6th इंटरनेशनल डे योगा कमिंग अप टू 21 जून को, अभी जो आने वाला है 2020 का योगा डे आने वाला है। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन का ये इनिशिएटिव है। और ध्यान में रखना ये वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट है, फोकस करता है ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ द योगा, जो हर एक की इंडिविजुअल जो लाइफ होती है उसमें योगा का मतलब ये इम्पैक्ट होना चाहिए और यहाँ पे फोकस होना चाहिए योगा, मतलब योगा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है आयुष मंत्रालय द्वारा। सो आज हमने यहाँ पे ये डिस्कशन किया 31 मई एंड 1 जून का। सो ऐसे ही करंट अफेयर में डेली यहाँ पे बिजनेस पे डिस्कस करता हूँ इसी चैनल पर। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।